वही नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हर शनिवार एक कथा सुनाता हूँ अघोर, अघोरियों और गुरु परिवार के बारे में। तो एक किसी शिष्य का ऐसा एक अनुरोध था कि जो हमारे गुरु हैं, जो गुरु परंपरा है, उससे भी कहानियाँ सुनाइए। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो कभी लाइव में आप लोगों को बताया था कि चैतन्य कानिफनाथ गुरु का वध एक डाकनी ने किस तरीके से किया था। कानिफनाथ जी कृष्णाचार्य, इनका जन्म गया बिहार में हुआ था और जब इनका काल था तो ये भारतवर्ष के सबसे प्रकांड तांत्रिक माने जाते थे। इनमें कुछ ऐसा था कि ये बहुत ज्यादा प्रयत्न किए बिना ही सिद्धियों को प्राप्त करते थे। जो चार महामशान है भारत में, उसमें रजरप्पा एक मशान आता है झारखंड में, जहाँ छिन्मस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसको चैतन्य महाराज ने ही किया था। कथा ऐसी है कि चैतन्य महाराज के गुरु ने उनको एक डाकनी से विद्या लेने के लिए भेजा था, तब वो स्थान पर आए थे और यहाँ पर उन्हें छिन्मस्तिका का दर्शन हुआ था। डाकनी का मतलब डाकनी भगवती होती है, डाकनी का मतलब डाइन नहीं होती है। तो भगवती के दर्शन हुए थे और भगवती ने इन्हें कई साधनाएं सिखाई थी। कहते हैं कि कानिफनाथ जी बड़े राजसिक स्वभाव के थे और काफी गुस्से वाले थे, उनमें घमंड भी बहुत था, जिसके चलते उनमें और उनके गुरु में कई बार ठनी भी। तो कहीं भी कुछ होता था तो ये युद्ध के लिए तैयार रहते थे। कानिफनाथ जी के साथ उनके 4000 चेले चलते थे, तो युद्ध का हमेशा तामझाम लगा रहता था। जब कानिफनाथ जी के गुरु जी को एक राजा ने कैद कर लिया था, तो कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी ने उनको मार्ग बताया और फिर वो वहां जाकर के उन्होंने युद्ध किया, तंत्र युद्ध, और अपने गुरु को छुड़ाया था। तो बड़े राजसिक स्वभाव के, बहुत अतरंगी व्यक्तित्व के, बहुत ताकतवर, बहुत ज्ञानी कृष्णाचार्य कानिफनाथ जी महाराज, जिन्होंने अघोर, जो मॉडर्न अघोर है, इसका रचना किया था। कानिफनाथ जी का नाम और क्या है, तो कानिपानाथ है। क्यों? क्योंकि ये पावपंथ से आते हैं, पार्वती जी से, उदयनाथ जी से। उदयनाथ जी का पंथ था पावपंथ, उससे कानिफनाथ जी आते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कपालिक और जो अघोर है, दोनों को मिश्रित करके एक अघोर बनाया, जिस अघोर को आज हम जानते हैं, और ये अघोर पंथ व्यवस्था से परे है। तो हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग पंथ व्यवस्था से परे हैं, हम अघोरी हैं। तो इतना तेजस्वी एक गुरु और उतने ही तेजस्वी इनके चेले, तो कानिफनाथ जी घूम घूम करके चेले बड़े बनाते थे, ठीक है। तो इनके शुरुआत में जो गया और उस क्षेत्र में चेले बने, तो सबसे ज्यादा इनके ब्राह्मण चेले हुए, क्योंकि ये भी जन्म से ब्राह्मण थे। तो कहीं किसी पर कुछ जब विपदा आती थी ना, तो कानिफनाथ जी वहां उनको बचाने जरूर जाते थे। उसी में इनको एक बार समझ में आया कि इनके घर से कुछ दूरी पर, मतलब मान के चले कि उस समय यूनाइटेड बंगाल था, तो यूनाइटेड बंगाल में किसी जगह पर एक डाकनी ने काफी आतंक मचा कर रखा है। क्या होता है, अब आप बोलिएगा कि अभी तो आपने बताया गुरुजी कि भगवती ही डाकनी होती है। देखो, शक्ति अगर आपसे संभले तो वो आपके लिए आशीर्वाद होती है, और शक्ति अगर आपसे ना संभले तो वो अभिशाप होती है। और शक्ति का अलग अलग मानक होता है, मतलब उच्च स्तरीय शक्ति, निम्न स्तरीय शक्ति। जिनकी निम्न स्तरीय शक्ति कौन है, जिनकी चेतना थोड़ी कम है। उच्च स्तरीय शक्ति जिनको चेतना बहुत ज्यादा है, जो देव्य शक्ति है, उनको पूर्ण चेतना होती है, ठीक है। तो वैसे ही किसी निम्न चेतना वाली डाकनी ने एक पूरे क्षेत्र में आतंक मचा करके रखा था। तो वहां के लोग प्रभु जी के पास आए कि हमें इस डाकनी से आप ही मुक्ति दिला सकते हैं, आपने तो वज्र योगिनी और से साधना सीखी है, ठीक है वज्र और वज्र का तो आपको काफी ज्ञान है, तो आप ही इस डाकनी को परास्त कर सकते हैं, बाकी
सारे साधकों ने तो हाथ उठा दिया। तो गुरुजी वहां से उस डाकिनी को सबक सिखाने के लिए निकल गए। कहते हैं कि इतिहास ने शायद ही कभी इतना प्रचंड युद्ध देखा था जितना गुरुजी और उस डाकिनी में हुआ। और हर बार वो डाकिनी मुका खाती थी, वो इनसे लड़ नहीं पा रही थी। वो किसी तरीके से भागने का उपाय लगाती थी, लेकिन उसको एक सबक सिखाना था। गुरुजी ने अपना पूरा तंत्र प्रयोग किया, कानिफनाथ जी महाराज ने, और एक अवस्था ऐसी आ गई कि वो थक करके गिर गई। जब प्रहार हुआ उस पर तो उसको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, वो जमीन पर गिर गई मूर्छित होकर के। तो कानिफनाथ जी महाराज साधक जिनके पास अनंत ज्ञान था, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे व्यक्ति जो कि शिव के रूप हों, उनको उनके हृदय में प्रेम आभास, मनुष्य मानवता के प्रति प्रेम, ये तो हमेशा रहेगा। या किसी भी मतलब मानवता तो हम मानव के लिए कह देते हैं, लेकिन किसी भी जीव के लिए उनके हृदय में प्रेम रहेगा। तो जब एक स्त्री को उन्होंने मूर्छित देखा जमीन पर गिरे हुए, तो इनको थोड़ा सा दया भाव आ गया कि ओहो इसकी तो मदद करनी चाहिए। और जैसे ही उनमें दया भाव आया तो उनका वीर भाव कम हो गया। वो जो क्रोध में थे, वो जो युद्ध की तैयारी में थे, वो जो तंत्र का बंधन कर रखा था, वो सब थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए टूटा। और डाकिनी ने इसका लाभ उठाया और तुरंत कानिफनाथ जी महाराज पर तंत्र वार किया। इस तंत्र वार करने से कानिफनाथ जी महाराज वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिए और जमीन पर गिर गए। डाकिनी ने इसको देख लिया, कहने के लिए तो कानिफनाथ जी का वध हो गया, लेकिन कानिफनाथ जी के शिष्य दुखी थे, लेकिन उससे ज्यादा दुखी वो डाकिनी थी। थोड़े देर बाद कानिफनाथ जी महाराज चैतन्य शरीर में आए, मतलब जो अपना जो उनका शरीर था हार्ड मार्स का, उसके बदले दिव्य स्वरूप में अपने शिष्यों के सामने आए और उनको बोला कि मेरे शरीर को तुम लोग छुपा के अच्छे से रखना, मैं 7 दिन बाद घूम करके आऊंगा, फिर से अपने शरीर में प्रवेश करूंगा। तो डाकिनी को लग गया डर कि अब अगर चैतन्य कानिफनाथ जी वापस लौटे तो वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि युद्ध में डाकिनी ने गलत व्यवहार करके, युद्ध नीति के विरोध में जा करके और इतने बड़े एक साधक का अंत करने की कोशिश की थी, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित थी, अब तो कोई दया भाव रहेगा नहीं। तो डाकिनी ने क्या किया कि उन्होंने दिमाग लगाया, वो दौड़ करके गई और जितने ब्राह्मण शिष्य थे कालिफनाथ जी के, उन सबको इकट्ठा कर लिया और उनको बताया कि उनके गुरु की मृत्यु हो गई है और उनका जो शव है वो सड़ रहा है, लेकिन उसके कुछ शिष्य हैं जो कि अंतिम क्रिया नहीं होने दे रहे। अब ब्राह्मण तो वही वेद के हिसाब से चलते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि गुरुजी के शरीर को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनका अंतिम क्रिया होने नहीं दे रहे हैं। इस काल में कानिफनाथ महाराज जो है वो अंतर्ध्यान थे और इसी बीच इन ब्राह्मणों ने उस शरीर को कब्जा किया और उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ कानिफनाथ जी के शरीर को फूंक दिया। उनके हिसाब से तो अच्छा किया। 7 दिन पूरे होने के बाद कानिफनाथ जी वापस आए, पूछा मेरा शरीर कहाँ है, तो बताया कि ऐसा ऐसा विषय हुआ, ब्राह्मणों ने आपका शरीर जला दिया। प्रभु जी उस समय उस क्षण शरीर वापस आ गए, मतलब जो शरीर जल गया वो तो चला गया, लेकिन एक नए शरीर में उन्होंने फिर से अवतार लिया वहीं पर और सबको दर्शन दिए और उसके बाद अपनी लीला को उन्होंने जारी रखा। इसके बाद कहते हैं कि कानिफनाथ जी महाराज फिर से एक बार साउथ इंडिया होते हुए श्रीलंका तक गए, अभी भी श्रीलंका में उनका वहाँ मंदिर है, और फिर वापस आए उसी स्थान पर गया क्षेत्र में। उन्होंने फिर अपने शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया और बोला कि अब मैं चैतन्य रूप में, मतलब हमेशा आपके आसपास बिना शरीर के लेकिन रहूँगा। और इस बीच में जो डाकनी थी उसको भी सजा मिली और ऐसे जितने भी
कुलक्षण के मनुष्य या कोई भी जीव आता है और आप जब कानिफनाथ महाराज की शरण में जाते हैं तो वैसे जीवों को तय दंड मिलता है। इसीलिए जब कानिफनाथ जी महाराज का हम जाप करते हैं तो हम जाप करते हैं क्या, ओम चैतन्य कानिफनाथाय नमः, मतलब चैतन्य कानिफनाथ जी को जो अभी भी चैतन्य है, जो अभी भी जीवित हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है। चैतन्य मंत्र बहुत कम गुरुओं के लिए आता है, बहुत कम गुरु चैतन्य है। अब तो खैर गुरुओं का मार्केट चलाने के लिए सब गुरु को जिंदा कर देते हैं लोग, लेकिन जो काल खंड में चला आ रहा है ऐसे गुरु जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया हो और वो आज भी सशरीर हो, ऐसे सिर्फ चैतन्य कानिफनाथ जी को ही माना जाता है। और इनका एक स्थान है जहां पर बोला जाता है कि इनकी अंत्येष्टि की गई है। तो इतने महान थे कानिफनाथ जी महाराज। और यहां से एक सीख ये भी मिलती है कि आप बड़े साधक हैं तो आप बड़े इससे नहीं हो जाते कि आपने कितनी साधनाएं कर रखे हैं या आप कितनी साधनाएं या कितनी शक्तियों को सामने आपने देख लिया है। आप बड़े इससे होते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना नया किया है, कितनी नई तरीके की चीजें जो है मानवता को दी हैं ज्ञानवर्धक, और कितना आपने उनको बचाने के लिए अपने जीवन में प्रयत्न किया है। सीख भरे कानिफनाथ जी महाराज। आज के लिए इतना ही। आप सभी इस कथा से सीख लें। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको साधना का शुरुआती ज्ञान पाना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9431188585, उस पर जुड़ सकते हैं। उसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मेरे आगामी कार्यक्रम और मेरे लेख को पढ़ने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट www.aghortantrahasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कॉल मी फॉर ऐप, उसमें रुद्रनाथ एक्सट्रीम 4 सर्च करेंगेगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। महागुरु कानिफनाथ आप सभी पर कृपा बरसाए रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आराधना आदेश।